हेलो एवरीवन, आज हम मॉडल्स को सीखेंगे। इंग्लिश ग्रामर में मॉडल का एक अहम रोल होता है और वैसे भी डे टू डे की जो इंग्लिश है उसको बोलने में भी मॉडल्स का एक अहम रोल होता है। मॉडल जो वर्ड है इंग्लिश में, ये लैटिन वर्ड मोड से आया है और इसका अर्थ होता है मूड। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मॉडल वर्ड है वो हमें मूड बताता है। लेकिन किस चीज का मूड बताता है? वो हमें सेंटेंस के मूड के बारे में बताता है कि सेंटेंस का कैसा मूड है। जैसे एक सेंटेंस है, कैन आई यूज योर पेन, और एक सेंटेंस है, मे आई यूज योर पेन। अब दोनों सेंटेंसेस के मूड में क्या डिफरेंस है? यहां कैन दिखाता है कि हम जो है बहुत ही इनफॉर्मल हैं, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है ये, या तो मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ यूज कर रहा हूं ये सेंटेंस, या अपने से जो जूनियर है उसके साथ मैं ये यूज कर रहा हूं, या एज में कम है। लेकिन मैं यहां मैं पूरी तरह से फॉर्मल हूं, और या तो मैं अपने बॉस के साथ या अपने से सीनियर के साथ या अपने से एल्डर के साथ ये सेंटेंस में यूज कर रहा हूं। तो ये फॉर्मेलिटी दिखाता है मैं, और कैन इनफॉर्मल वे दिखाता है। तो आज हम सबसे पहले चार मॉडल्स सीखेंगे, कैन, मे, कुड और माइट। इन मॉडल्स में कैन और मे जो होते हैं इनका अर्थ होता है सकना। सकना जो क्रिया है उसको ये एक्सप्रेस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कैन को, कि कैन कहां यूज होता है और वहां पर मे किस तरह से यूज किया जाता है। वहां कई बार कुड भी यूज हो सकता है, लेकिन क्या कंडीशन होती है, माइट किस कंडीशन में यूज होगा, वो सारी कंडीशंस हम वन बाय वन यहां पे डिस्कस करेंगे। कैन की यूज के लिए जो सबसे पहली बात आती है वो है एबिलिटी या कैपेसिटी। अब एबिलिटी या कैपेसिटी किस तरह की? फिजिकल एबिलिटी हो सकती है, मेंटल एबिलिटी हो सकती है, जस्ट एज आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, भाई मैं ये बॉक्स उठा सकता हूं, मेरे अंदर इतनी एबिलिटी है, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं उठा सकता हूं। कैपेसिटी जैसे किसी टीन की कैपेसिटी हो गई, किसी बकेट की कैपेसिटी हो गई, यानी बाल्टी की, किसी डिब्बे की, किसी भी चीज की, तो वो कैपेसिटी हम यहां पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे दिस टिन कैन कंटेन 10 लीटर वाटर और 10 लीटर मिल्क और लेट्स राइट वाटर। सो दिस इज एक्सप्रेसिंग कैपेसिटी हियर। ये यहां पे कैपेसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, यहां पे ये एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन अगर इस एबिलिटी के बारे में मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हूं, मान लो कोई बहुत ही भारी वेट है, वेट तो मैं उठा सकता लेकिन बहुत ही भारी लग रहा है मुझे, तो वहां पे मैं थोड़ा सा हेजिटेट हो गया, मुझे अपनी एबिलिटी पे पूरा भरोसा नहीं रहा, और उस समय मैं यूज करूंगा मे का, क्योंकि पॉसिबिलिटी आ गई। जब पॉसिबिलिटी आ जाएगी, जैसे आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स। नेक्स्ट जो यूज है वो होता है परमिशन के लिए। Specially, give permission.
ये परमिशन देने के लिए यूज होता है ज्यादातर, लेकिन अगर आप कहीं इनफॉर्मल सिचुएशन में हैं, आप अपने दोस्तों के साथ यूज करना चाहते हैं, यानी अपने दोस्तों से कोई परमिशन लेना चाहते हैं, तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। इसका एक जो अर्थ है वो आप क्लियरली समझ लीजिए, जब आप कैन यूज करते हैं किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जस्ट एज कैन आई कम इन, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप परमिशन मांग रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप अगर मना भी करेंगे तो भी मैं अंदर आऊंगा, यानी जस्ट एक इंफॉर्मेशन वाली बात होती है ये, जैसे कैन आई यूज योर पेन, अगर आप मना कर दोगे तो भी मैं जबरदस्ती ले लूंगा, तो वो जो सेंस है वो कैन से दिखाई जाती है। लेकिन वहीं पर अगर परमिशन मांगने की बात है और मैं यूज कर रहा हूं यहां पे मे का, जैसे मे आई कम इन, तो ये जो है एक बहुत ही फॉर्मल सिचुएशन है, अगर मुझे मना किया गया तो मैं अंदर नहीं आऊंगा, लेकिन अगर मुझे परमिशन मिली तो ही मैं अंदर आऊंगा, तो ये फॉर्मेलिटी को दिखाता है। नेक्स्ट कुड और माइट, ये भी परमिशन के लिए यूज हो सकते हैं, जैसे कुड आई हेल्प यू, बहुत ही पोलाइट वे से किसी को पूछने के लिए कि क्या मैं आपकी मदद करूं, माइट माइट आई कम इन, यानी यहां पर हेजिटेशन बहुत ज्यादा है, कैन में तो पक्का है आपने बता दिया और फिर आप अंदर चले गए, परमिशन की वेट किए बिना आप अंदर जा सकते हैं जब आप कैन का यूज करते हैं, तो वहां पर आप कैन का यूज करिए, जैसे आप अपने दोस्त को कह रहे हैं कैन आई कम इन, और इससे पहले कि वो जवाब दे आप अंदर चले जाते हैं, लेकिन जब आप मे का यूज कर रहे हैं मे आई कम इन, यू आर फॉर्मली आस्किंग, आप वहां पर वेट करेंगे, जब परमिशन मिलेगी तो आप अंदर जाएंगे। कुड आई हेल्प यू, बहुत ही पोलाइट वे से विनम्रता के साथ पूछने के लिए, माइट आई कम इन, माइट आई कम इन मीन्स आप बहुत ही ज्यादा हेजिटेट कर रहे हैं, वहां पे फॉर्मल तो है ही लेकिन हेजिटेशन आपको बहुत ज्यादा है, आपने बहुत ही डरते डरते इस बात को पूछा है, तो उस सिचुएशन में आप माइट का यूज कर सकते हैं। परमिशन के बाद नेक्स्ट जो हमारा यूज है वो होता है थर्ड यूज पॉसिबिलिटी। अब देखिए पॉसिबिलिटी में, पॉसिबिलिटी जो है उसके लिए हम मोस्टली यूज करते हैं मे का, लेकिन हम पॉसिबिलिटी के लिए कैन का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, उसके अंदर 1% भी कहीं ये गुंजाइश ना हो कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसी पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन। अब इसमें आप मना नहीं कर सकते कि मेरे साथ नहीं हो सकता, या आपके साथ नहीं हो सकता, या किसी थर्ड पर्सन के साथ नहीं हो सकता, एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है, एक्सीडेंट कैन हैपन एनी टाइम, एक्सीडेंट कैन हैपन टू एनीवन। तो यहां पर हम कैन का यूज करेंगे जब पॉसिबिलिटी 100% हो, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है तो हम यूज करेंगे मे का, जैसे इट मे रेन टुडे। अब ये संभावना है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, ये कोई नेसेसरी नहीं है कि रेन डेफिनेटली होगी ही होगी, जैसे कोई घटना घटी वो दोबारा हो सकती है, तो हम उसके लिए कह सकते हैं इट मे हैपन अगेन, इट मे हैपन अगेन। और अगर पॉसिबिलिटी उसकी मे से भी कम है, यानी कैन में तो बिल्कुल 100% पॉसिबिलिटी है, मे में कैन से थोड़ी कम होती है, और माइट में मे से भी ज्यादा कम पॉसिबिलिटी होती है, जैसे इट माइट हैपन अगेन,
कि ये बात दोबारा भी हो सकती है, लेकिन चांसेस बहुत ही कम है। अगर मैं कहूं इट कैन हैपन अगेन, दैट मीन्स आई एम श्योर दैट दिस थिंग विल हैपन अगेन डेफिनेटली। कोई पॉसिबिलिटी की गुंजाइश नहीं बचती है। यहां पॉसिबिलिटी है, यहां पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो पॉसिबिलिटी के लिए हमने देखा कि हम यूज कर सकते हैं कैन का भी, मे का भी और माइट का भी। नेक्स्ट जो हमारा यूज है कैन का, वो यूज होता है जो हमारी वर्ब ऑफ सेंसेस है। वर्ब ऑफ सेंसेस, हमारे पास पांच सेंस ऑर्गन्स हैं और वो काम करते हैं जैसे सी, हियर, टेस्ट, टच, फील। तो ये जो हमारे टेस्ट हो गया जैसे टंग से, तो ये जो हमारी सेंस ऑर्गन्स वाली जो वर्ब्स हैं, उनके साथ अगर हमें कॉन्टिन्यूटी दिखानी है, कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में अगर उनको यूज करना है, तो हम उनके साथ यूज करते हैं कैन का। जैसे डिफरेंस देखिए, आई कैन हियर नॉइस फ्रॉम आउटसाइड और आई एम लिसनिंग टू द नॉइस फ्रॉम आउटसाइड। अब दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या है? आई कैन हियर मीन्स मैं सुनना नहीं चाहता, लेकिन बाहर से मुझे शोर सुनाई दे रहा है। कैन हियर सुनाई दे रहा है। एम लिसनिंग टू, मैं सुन रहा हूं, बाहर कोई शोर हो रहा है और मेरा ध्यान वही है, मैं ध्यान लगा के उस चीज को सुन रहा हूं, तब हम लिसनिंग टू करेंगे। लेकिन अगर मैं हियर का यूज करता हूं और कैन का यूज करता हूं, तो मैं यूज करूंगा कि मुझे सुनाई दे रहा है। नेक्स्ट जो हमारा मॉडल है वो है मे। मे एक तो पॉसिबिलिटी के लिए, तो वो हम सीख ही चुके हैं। जब कैन से थोड़ी कम पॉसिबिलिटी होगी, यानी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम है 100% से, ये नहीं कि पॉसिबिलिटी कम है लेकिन 100% से थोड़ी सी कम है, तो हम मे का यूज करते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस बताया था इट मे रेन टुडे। नेक्स्ट जो हमारा यूज है मे का, वो है परमिशन के लिए। अगर आप फॉर्मल तरीके से पूछना चाहते हैं, तो आप परमिशन के लिए यूज करेंगे मे का। नेक्स्ट जो हमारा यूज होता है मे का, वो होता है विश के लिए या कर्स के लिए या प्रे के लिए, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं मे का, जब हमें कहना हो मे यू लिव लॉन्ग, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। इस तरह के सेंटेंसेस में जब सेंटेंस के आखिर में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो और स्टार्टिंग में आपके पास ब्लैंक हो, तो आप मे का यूज करिए। या एक चांस और है, आप वुड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक सर्टेन कंडीशन होती है, वुड दैट, इसमें आपको दैट जरूर मिलेगा, वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश मैं एक पक्षी होता। तो ये भी एक ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है। यहां पर हमारी एक तरह से विश दिखाई गई है, तो यहां ये जो है वुड, इसमें यहां पर स्टार्टिंग में ब्लैंक, तो आप वुड भर दीजिएगा। अगर यहां स्टार्टिंग में ब्लैंक है और आपका दैट और वर नहीं है, तो आप मे भरिए, मे का यूज करिए। इसके अलावा एक यूज और बचता है, वो यूज होता है सो दैट में। अगर सेंटेंस में हम सो दैट यूज करना चाहते हैं, यानी हम पर्पस बताना चाहते हैं, पर्पस हमारा जो पर्पस होता है, वो कोई पर्पस बताने का होता है, उद्देश्य। जैसे
हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके. We eat so that we may live. तो आप जब इस तरफ आप प्रेजेंट या फ्यूचर का यूज करें तो आप इधर यूज करें मे का, लेकिन अगर आप यहां पास्ट का यूज करते हैं जैसे वी वर्क्ड हार्ड, हमने बहुत मेहनत की, वी वर्क्ड हार्ड सो दैट, ताकि वी माइट पास, ताकि हम पास हो सके. तो अगर आपका सेंटेंस इधर पास्ट में है तो यहां आप यूज करिए मे का पास्ट माइट, और अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है इधर सो दैट से इधर ये जो क्लोज है और ये जो क्लोज है, इन क्लोजेस के ऊपर ध्यान देना है. अगर प्रेजेंट या फ्यूचर है तो मे का यूज करेंगे, अगर पास्ट है तो माइट का यूज करेंगे. इसके बाद हमारा आता है कुड. सबसे पहला जो कुड का यूज है वो होता है पास्ट ऑफ कैन. अब ये कैन का पास्ट कैसे होता है? एक तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमने सीखा है कि प्रेजेंट को पास्ट में बदलते हैं. जैसे ही सेड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड. तो क्या होगा? ही सेड दैट आई, ही के अकॉर्डिंग दैट ही, कैन का हो जाएगा कुड. कैन का पास्ट यूज करेंगे, कुड लिफ्ट दैट बॉक्स. तो अगर हमारा सेंटेंस इनडायरेक्ट में है और इनडायरेक्ट सेंटेंस में सेड, टोल्ड, आस्क्ड या अलाउड या रिक्वेस्टेड कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए, यानी वर्ब सेकंड फॉर्म अगर यूज की गई है या हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म यूज की गई है, तो आप जहां आपको लगे कि यहां कैन आ सकता है वहां आप कुड का यूज करें, क्योंकि हमें वहां पर कैन के पास्ट का यूज करना होता है. अगर हमें पॉसिबिलिटी दिखानी है, जैसे मैं श्योर नहीं हूं, मैं यहां पे मे का यूज कर रहा हूं, आई मे लिफ्ट दिस बॉक्स, हो सकता है मैं इस डिब्बे को उठा लूं, हो सकता है, ये संभावना है, पॉसिबिलिटी है. अब मैं फिजिकल एबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं. तो जब मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं कर दूंगा माइट. ही सेड दैट ही माइट लिफ्ट दैट बॉक्स. तो इस तरह से कैन और मे का जो पास्ट होता है वो कुड और माइट होता है, और उनको हम इस तरह से इनडायरेक्ट सेंटेंसेस में यूज करते हैं. सेकंड जो यूज होता है कुड का वो होता है पोलाइटली. पोलाइटली बहुत ही विनम्रता के साथ किसी से कुछ पूछना, किसी से परमिशन लेना, किसी भी बात की परमिशन लेना. लेकिन मोस्टली आप ध्यान रखें कि पोलाइटनेस के लिए आप मे या माइट का यूज करें. कुड का यूज मोस्टली आप वहां पर करें जब आप किसी इंसान के साथ ज्यादा फैमिलियर नहीं हैं. जैसे आप अपने फ्रेंड के घर पे गए और वहां जाके आपके फ्रेंड के फादर आपको मिले. अब आप वहां थोड़ी देर बैठे और आपको याद आया कि मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है. आप फ्रेंड के फादर के साथ इतने फैमिलियर नहीं है जितने आप अपने फ्रेंड के साथ फैमिलियर हैं, तो आप उनसे फोन यूज करने की जो परमिशन मांगेंगे वो कुड से मांगिए. जैसे कुड आई यूज योर फोन प्लीज. तो ये जो है बहुत ही पोलाइटनेस दिखाता है, बहुत ही आपकी विनम्रता को दर्शाता है. थर्ड जो यूज है कुड का वो होता है पास्ट एबिलिटीज के लिए.
ये could का जो थर्ड यूज है वो होता है पास्ट एबिलिटीज के लिए. पास्ट एबिलिटीज जैसे जब मैं 5 साल का था तो मैं गाना गा सकता था, ये पास्ट की एबिलिटी की बात है. तो आई कुड सिंग व्हेन आई वाज 5. दैट मीन्स व्हेन आई वाज 5 years old. फोर्थ यूज होता है कुड का, जो कि कुड को हम यूज करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में, यानी इफ वाले सेंटेंसेस में. अगर इफ वाले पार्ट में वर्ब सेकंड फॉर्म दी हुई है या वर्ब थर्ड फॉर्म है हेड के साथ, तो वहां पर मोस्ट प्रोबेबली तो यूज होता है वुड और वुड हैव. जैसे इफ आई वर्क्ड हार्ड आई वुड पास. लेकिन अगर वुड नहीं है आपके पास ऑप्शन में, या कोई यहां पर ऑप्शंस हैं तो आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और उनमें वुड नहीं दे रखा, तो आप वहां पर कुड का यूज भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही होता है. लेकिन यहां मोस्ट सुटेबल यूज जो है वो वुड का ही होता है. अगर यहां पर होता इफ आई हैड वर्क्ड हार्ड तो हो जाता आई कुड हैव पास्ड. नेक्स्ट माइट. फर्स्ट यूज ऑफ माइट इज पास्ट ऑफ मे, यानी मे का पास्ट होता है. जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जब डायरेक्ट सेंटेंस में मे हो तो हम उसका माइट कर देते हैं. ही सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट, मे यू लिव लॉन्ग. तो इसका क्या होगा, ही प्रेड That I might live long. तो यहां पर मे का जो पास्ट है माइट, वो हमने यूज कर दिया. सेकेंड जो यूज होता है माइट का, वो होता है पॉसिबिलिटी के लिए, सेकेंड यूज. लेकिन कैसी पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी. रिमोट पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, जैसे He might come today. कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ नहीं है, हम वैसे ही किसी को याद कर रहे हैं और याद करके हम कह रहे हैं कि he might come today, कि वो आज आ सकता है, ऐसा हो सकता है. लेकिन संभावना जो है वो बहुत ही कम है. नेक्स्ट आफ्टर रिमोट पॉसिबिलिटी, थर्ड जो यूज होता है हमारा माइट का, वो हमने बताया कि सो दैट वाले जो सेंटेंसेस हैं, सो दैट इन सेंटेंसेस में अगर इस तरफ वर्ब सेकंड फॉर्म है तो इधर हम यूज करते हैं माइट का. पर्पस बताना होता है और ये पर्पस पास्ट का होता है. जैसे वी एट सो दैट वी माइट लिव, या We worked hard so that we might pass the exam. We ran fast so that we might catch the train. हम तेज भागे ताकि हम ट्रेन पकड़ सकें. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, उनमें हम might का यूज करते हैं. नेक्स्ट जो हमारा यूज है बहुत ही पोलाइट रिक्वेस्ट में, पोलाइट रिक्वेस्ट, लेकिन हेजिटेंट. हम बहुत ही हिचकिचाते हुए ये रिक्वेस्ट करते हैं, हमें बहुत हिचकिचाहट हो रही होती है, लेकिन फिर भी बहुत ही नेसेसरी है वो चीज, तो हम इतनी ज्यादा पोलाइटनेस के साथ माइट का यूज करते हैं. वो कैसे होगा, देखिए. जैसे माइट आई Use your phone. लेकिन ये किसको हम कह रहे हैं, ये हम कह रहे हैं बिल्कुल ही किसी
स्ट्रेंज इंसान को जिसे हम बिल्कुल नहीं जानते और ना ही वो इंसान हमको जानता है, तो उससे अगर हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं बहुत ही विनम्रता के साथ, तो हम यूज करेंगे माइट का। इसके बाद मे और माइट, इनके साथ जब हम हैव लगा के वो थर्ड फॉर्म यूज करते हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है और क्या मीनिंग है, जैसे मे हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म और माइट हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझिए, क्योंकि जो इंग्लिश हम बोलते हैं, जो हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम लिखते हैं, उसमें इनका यूज हमें कई बार करना पड़ता है। मे हैव ऐसा हो सकता है, माइट हैव ऐसा हो सकता था, हो गया होता, ऐसा हुआ होता। जैसे ही मे हैव टेकन ए रॉन्ग ट्रेन, भाई वो अब तक नहीं आया, तो ऐसा हो सकता है कि उसने गलत ट्रेन पकड़ ली हो। He may have taken a wrong train, लेकिन he might have taken a wrong train, इसका अर्थ है पास्ट में उसने ऐसा कर दिया होता है लेकिन किया नहीं, चाहे वो कारण कुछ भी रहे। हो सकता है उसके साथी ने उसको पहले ही बता दिया कि ये रॉन्ग ट्रेन है, तो उसमें चढ़ने से पहले ही उसे पता लग गया और उसका साथी कह रहा है he might have taken a wrong train, इसने एक गलत ट्रेन पकड़ ली होती, पकड़ी नहीं। यहां पर जो है काम हुआ नहीं, हो सकता था, यहां पर ऐसा हो सकता है, अगर हम कहना चाहते हैं हो सकता है उसने गलत ट्रेन पकड़ ली हो, तो ही मे हैव टेकन ए रॉन्ग ट्रेन, उसने एक गलत ट्रेन पकड़ ली होती, पकड़ी नहीं, तो ही माइट हैव टेकन ए रॉन्ग ट्रेन। ये दोनों के बीच में मे हैव और माइट हैव में एक सिंपल सा डिफरेंस जो हमने डिस्कस किया, ये मॉडल्स का पार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी डे टू डे लाइफ में भी ये सेंटेंसेस हम यूज कर सकते हैं। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन अबाउट माई अपकमिंग वीडियोज। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू अपलोड ग्रामर वीडियोज साइड बाई साइड, स्पोकन वीडियोज एंड सम डेली यूज सेंटेंसेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।